आज हम अब आपको बताएंगे ग्लूटाथियॉन पाउडर बनाना। ये ग्लूटाथियॉन पाउडर कैसे बनता है, चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। हेलो ब्यूटीज, कैसे हैं आप सब। पहले वाले एपिसोड में इससे पहले हमने देखा कि ग्लूटाथियॉन पाउडर क्या है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो थोड़ा सा आपको वापस से मैं बताऊंगी कि ग्लूटाथियॉन क्या है और उसके बाद इसका एक पाउडर बनाना आपको सिखाया जाएगा। ग्लूटाथियॉन एक नेचुरल कंपोनेंट होता है जो कि हमारी बॉडी में नेचुरली बनता है, बट विद एज हमारी बॉडी में वो बनना कम हो जाता है और स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। और अगर हम ग्लूटाथियॉन पाउडर बना के घर में रखें और उसको कंज्यूम करें तो उसके बहुत फायदे होते हैं। जो ग्लूटाथियॉन की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है वो ये पाउडर पूरी करता है। तो मैं आपको बताऊंगी अब कि ग्लूटाथियॉन पाउडर में हमने क्या क्या डालना है और उसे कैसे बनाना है। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स पे एक नज़र मार लेते हैं। तो सबसे पहले ये आता है फर्स्ट नंबर पे कोकोनट फ्लावर। कोकोनट का आटा, नारियल का आटा जिसको बोला जाता है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने इस तरह का पैकेट परचेज किया है, ये अमेजोन से मैंने परचेज किया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। ये कोकोनट फ्लावर या कोकोनट का जो आटा है ये स्किन वाइटनिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट माना जाता है। सेकेंड आता है सनफ्लावर सीड्स। ये एक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि स्किन की ब्राइटनिंग में, स्किन की वाइटनिंग में और स्किन को ग्लोइंग करने में, स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद ये भी ट्रू एलिमेंट्स का मैंने लिया है और ये भी अमेजोन में मिल जाता है और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। उसके बाद है होल ड्राइड आंवला। आपने यही लेना है, आंवले का पाउडर नहीं लेना है। तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये होल ड्राई आंवला कुछ इस तरह से दिखता है, ये देख सकते हैं आप। और आपने ऐसा ही लेना है, इसको हम बाद में मिक्सर में ग्राइंड करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है और प्योर होता है। अगर आप पाउडर लेंगे तो पाउडर में ये नुकसान हो सकता है कि उसमें कुछ मिक्स भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल प्योर होता है आंवला पाउडर। इसमें विटामिन सी होता है जो कि स्किन की हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करता है, वाइटनिंग करता है। और ये मैंने कुछ लिए हैं सेफ्रन के स्ट्रैंड्स। ये आपने 10 से 12 प्योर सेफ्रन ले लेनी है। और ये जो सेफ्रन होती है ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और ये सेफ्रन को हम किंग ऑफ स्पाइसेस भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे विटामिंस होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। उसके आगे हम चलते हैं तो हम बात करते हैं वाइट पॉपी सीड्स की, जिसको खसखस भी बोला जाता है। ये स्किन वाइटनिंग का काम तो करता ही है, एंटीऑक्सीडेंट का भी ये काम करता है। तो ये है खसखस यानी कि पॉपी सीड्स। तो उसके बाद ये हमने लेने हैं चिरौंजी। और उसके बाद आगे चलते हैं तो ये है मुलहठी पाउडर। ये स्किन की वाइटनिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये खाने से और स्किन पे लगाया भी जाता है, ये दोनों तरह से ही स्किन को बहुत ग्लोइंग करता है और बहुत अच्छा करता है। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी बहुत अच्छी खुशबू भी होती है और कंज्यूम करने में भी, खाने में भी इसको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये मैंने बड़ा सा एक बॉक्स इसका मंगवा के रखा हुआ है क्योंकि मैं इसको फेस पैक्स में भी यूज़ करती हूँ और साथ में इसको कंज्यूम भी करती हूँ इसी ग्लूटाथियॉन पाउडर बनाने में। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इसकी मेजरमेंट के लिए मैंने एक वेइंग स्केल ले लिया है। इतनी क्वांटिटी में क्या क्या डालना है वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पर फिर भी आपको मैं मेजर करके यहाँ बताऊंगी कि मैंने क्या चीज़ कितनी कितनी लेनी है। ब्यूटीज, वेइंग स्केल मैंने ऑन कर दिया था और आंवला डाल दिया है उसमें और हमें डालना भी 100 ग्राम्स ही है। ब्यूटीज, ये ग्राइंडर के अंदर मैं आंवला डाल रही हूँ, आपने सारा आंवला डाल देना है। तो ये आंवला एज इट इज़ ही डाला है, इसको कुछ भी रोस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये आंवला आप जब सर्दियों में आंवला आता है उस समय भी अपने घर में ग्रीन आंवला लेके उसको ऐसे पीसेस में कट करके और सुखा सकते हैं। तो ये और इसकी वैल्यू जो है बहुत बढ़ जाती है, आपको बाज़ार से परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो और अगर बाज़ार से परचेज करना है तो ये ध्यान रखना है कि ये ड्राई आंवला ही होना चाहिए,
ये बिल्कुल भी आपने पाउडर नहीं लेना है। तो चलिए इसको अब कर लेते हैं हम ग्राइंड। ब्यूटीज ये मैंने ग्राइंड कर लिया है, चलिए देखते हैं खोल के इसको। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो चुका है। बस अब हमने इसको निकाल लेना है एक बॉल में। ब्यूटीज इसको हम आंवला पाउडर को एक बॉल में निकाल लेंगे, जो हमने 100 ग्राम्स को ग्राइंड किया था उसको हमने अब निकाल लिया है एक बॉल में। तो ये देखिए ये कितना अच्छा ग्राइंड होके तैयार हो चुका है। अब नेक्स्ट हम करेंगे चिरौंजी को ग्राइंड। तो ये हमने मेजर कर लेनी है, इसको 100 ग्राम्स ही करना है हमने। और अब देखिए ग्राइंडर में मैंने चिरौंजी भी डाल दी है और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी ये सैफरन के स्ट्रैंड्स, ये भी इसके साथ ही ग्राइंड हो जाएंगे। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं हम ग्राइंड। ब्यूटीज ये देखिए चिरौंजी भी पिस चुकी है, इसको खोल के देखते हैं। देखिए अब ये चिरौंजी आपको दिख रही होगी कुछ ऐसी होगी, जबकि इसमें मैंने कोई वाटर नहीं डाला था, कुछ नहीं, ये एक पेस्ट के फॉर्म में दिख रही है। ये इसलिए हो जाती है क्योंकि चिरौंजी जो है वो अपना ऑयल रिलीज कर देती है। तो ये भी पिस चुकी है, इसको हम आंवले के अंदर ही मिक्स कर देंगे। ब्यूटीज देखिए मैंने इसके अंदर चिरौंजी भी डाल दी है पाउडर बना के। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सनफ्लावर सीड्स को ग्राइंड करने की तरफ। अब ब्यूटीज इसमें जाएंगे सनफ्लावर सीड्स, जो कि मैं डालूंगी 50 ग्राम्स। तो आपने पैकेट में से डालना है और नीचे देखता रहना है कि 50 ग्राम्स हो जाए। तो ये 25 ग्राम्स अभी हुए हैं, इतने ही और डालेंगे। तो ये मैं डाल रही हूँ और 48 हो गए हैं, अब थोड़े से और डालेंगे तो 50 ग्राम्स हो जाएंगे। ये बस थोड़े निकाल लूँगी मैं, 50 ग्राम्स हो चुके हैं पूरे। बस अब इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए सनफ्लावर सीड्स भी ग्राइंड हो चुके हैं, अब इसको भी हम बाउल में मिक्स कर देंगे। ये भी इसमें मैं मिक्स कर दूंगी। ये सनफ्लावर सीड्स भी थोड़ा सा ऑयल रिलीज करते हैं, चिरौंजी जो है वो ज़्यादा करती है, सनफ्लावर सीड्स उससे थोड़ा कम करते हैं। तो ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं सारे के सारे। तो अब इसमें जाएगा नारियल का आटा, तो वो भी मेजर करके डालेंगे। तो इसको 25 ग्राम मैंने मेजर कर लिया है और इसको डाल दूंगी मैं इसी के अंदर। तो ये जा रहा है इसके अंदर नारियल का आटा भी। और नारियल के आटे के बाद अब हम करेंगे ग्राइंड पॉपी सीड्स को, यानी कि खसखस को। तो खसखस को भी मेजर कर लेंगे पहले, मेजर करके फिर ग्राइंड करके फिर डालेंगे। अब ये मैंने 50 ग्राम्स ले लिया है वाइट पॉपी सीड्स, तो इसको भी करेंगे ग्राइंड। ब्यूटीज हमारे वाइट पॉपी सीड्स भी ग्राइंड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ग्राइंड हुए हैं ये, आप छू के देख लीजिए। और ये दानेदार नहीं लगने चाहिए, ये बिल्कुल ग्राइंड हो चुके हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा सा अपना ऑयल रिलीज किया है। ये जो चिरौंजी हो गई, पॉपी सीड्स हो गए और साथ में ही जो हमारे सनफ्लावर सीड्स थे, इन्होंने ये जो ऑयल रिलीज़ किया है, यही ऑयल जब हमारी बॉडी में जाता है तो मिरेकुलस काम करता है और स्किन को बहुत ग्लोइंग बनाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स तो होते ही हैं सारे, और स्किन को ग्लोइंग बनाने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं काफ़ी टाइम से इसको कंज्यूम कर रही हूँ। तो चलिए इसको भी अब डालते हैं एक बॉल में। तो इसको भी हम इसी बॉल में मिक्स कर देंगे। अब जो जो ग्राइंड कर रहे हैं सब हम एक ही बॉल में डालते जा रहे हैं और इसका एक अच्छा सा इस तरह से डालते डालते मिक्सचर बन जाएगा। तो ये देखिए ये भी मैंने डाल दिया। अब ये देखिए मैंने 10 ग्राम्स ले लिया है मुलाटी पाउडर, तो इसको भी अब इसी ये वाले जो इन्ग्रीडियंट्स थे इसके अंदर मिक्स कर देंगे, इस मुलाटी पाउडर को भी। तो अब ब्यूटीज हमने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दिए हैं, जिसमें था हमारा सूखा आंवला पाउडर, नारियल का आटा, चिरौंजी, पॉपी सीड्स, मुलहटी पाउडर, सनफ्लावर सीड्स और सैफरन। तो ये सब कुछ इसमें अब डल चुका है। तो एक स्पून ले लेंगे, उससे इसको एक बहुत अच्छा सा मिक्स दे देंगे और ये एक बहुत ही मिरेकुलस पाउडर तैयार हो जाता है बनके, जिसको कहते हैं ग्लूटाथियॉन पाउडर। इसको आप मिक्स करते वक्त बहुत अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, ताकि हर पार्टिकल एक दूसरे में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरह से हमने इसको दबा दबा के मिक्स करना है, ताकि इसमें जो भी कोई गुठलियाँ फॉर्म हुई हुई हैं वो भी सारी क्रश हो जाएँ और अच्छी तरह से पाउडर एक जैसा हो जाए।
और ये जो ग्लूटाथियोन पाउडर हमारा बना है और होममेड नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ बना है, ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता और स्किन में बहुत ही अच्छे इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। और अगर आप ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस की तरफ जाते हैं, टैबलेट्स की तरफ जाते हैं, तो वो बॉडी में बहुत ही हार्मफुल रिएक्शंस करते हैं और साथ में वो फ़ायदा पहुंचाने के बदले नुकसान लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा पहुंचाते हैं। और ये कंज्यूम करने से कुछ भी नुकसान बॉडी को नहीं होता, क्योंकि जितने प्रोडक्ट हमने डाले हैं सब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और बॉडी को बहुत ही अच्छे मिनरल्स और विटामिंस देते हैं। अब ये देखिए, ये बहुत अच्छा बन के तैयार हो चुका है। और अब हमने करना ये है फ्रेंड्स कि इस तरह का एक एयर टाइट कंटेनर ले लेना है और उसके अंदर फिल करके इसको रेफ्रिजरेटर में रख देना है। और डेली आपने कंज्यूम कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। तो आपने सुबह जब मॉर्निंग में उठना है तो खाली पेट इसका एक टेबलस्पून या तो आप ल्यूक वॉर्म मिल्क के साथ ले लीजिए या गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं, गुनगुने से पानी के साथ, और ये खाली पेट एक चम्मच कंज्यूम करना है। और अगर अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो एक आप मॉर्निंग में खा लीजिए एक टेबलस्पून और एक टेबलस्पून रात को सोते समय। बस ये जब आपका ख़त्म हो, बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही जार बनाइए ताकि जब ये ख़त्म हो तो फिर फ्रेश और बन जाए। ये देखिए ब्यूटीज बन के तैयार हो चुका है, फिल भी कर दिया। अब ये वाला स्पून, ये एक टेबल स्पून है, ये ही आपने कंज्यूम करना है। तो ये हीप नहीं लेना, ये बिल्कुल लेवल में ऐसे करके आपने ले लेना है इस तरह से। और इतना एक आप इसमें कटोरी में डाल लीजिए और साइड में हम ल्यूक वॉर्म मिल्क या ल्यूक वॉर्म वाटर, गुनगुना पानी या गुनगुना दूध, वो लेके उसके साथ मॉर्निंग एंड इवनिंग में कंज्यूम कीजिए। अगर आप एक बार भी खाना चाहते हैं तो सिर्फ मॉर्निंग में भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो आपको हमारा चैनल ग्लैम्स नैनी अच्छा लगा तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये ग्लूटाथियोन पाउडर जो है वो किस तरह से लगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा पाउडर तो भी बताइए, और नहीं अच्छा लगा तब भी बताइए, ताकि हमें पता चले कि आप हमसे क्या चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। ओके, टिल देन, बाय बाय।